गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आप अभी देख रहे हो, सुबह के बजे अच्छे और मैं बात लेके अभी रेडी हो रहा हूँ। और आज चैलेंज का भी 6th डे है। जिसने भी मेरे आगे वाले चैलेंज डे नहीं देखे, 1-5 चैलेंज डे, वो एक बार आप देख लीजिएगा। मैं आपको लास्ट में लिंक शेयर कर दूँगा। तो गाइज, मैं लास्ट 5 डे से कंटिन्यू व्लॉग बनाता जा रहा हूँ, तो आपको क्या अच्छा लग रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो फाइनली मैं अभी रेडी हो गया हूँ, तो चलो अब चलते हैं सरप्राइज जगह पे। यहाँ पे आके मैंने 1 लीटर पानी पी लिया है, तो अब चलते हैं घर पे। और मैं अभी घर पे आ गया हूँ, मैंने नाश्ता भी वहीं से कर लिया था, मैंने घर पे आके कुछ खाया नहीं है। तो फाइनली अभी मैं बैग पैक करके बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ईयरबड्स ख़राब हो गए, तो मैं सर्विस सेंटर पर जा रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं कज़िन के ऑफिस पर चला जाऊँगा। तो ईयरबड्स में कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रहा है, कभी कभी ईयरबड्स कनेक्ट हो रहे हैं, कभी कभी नहीं हो रहा है, और चार्जिंग भी इतना नहीं चल रहा है। तो सोचा कि वारंटी में है, तो मैं अभी सर्विस सेंटर पे दिया हूँ, फिर थोड़े टाइम में वारंटी ख़त्म होने वाली है। तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, पता नहीं ओपन होगा या नहीं। तो गाइस, फाइनली मैं एप्पल के सर्विस सेंटर पे आ गया हूँ, फाइनली ये ओपन है। मैंने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी है और मेरी रिटर्न भी आ गई है। बताया कि 2 दिन का टाइम लगेगा, 2 दिन बाद मैं आपको रिटर्न दे दूँगा। तो अब चलो चलते हैं कज़िन की ऑफिस पर। तो फाइनली मैं अभी ऑफ़िस पे आ गया हूँ, तो सबसे पहले मैं सेटअप कर लेता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मेरी ऑफ़िस स्टार्ट होने वाली है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अभी मैंने सेटअप कर लिया है और अभी मैं करता हूँ ऑफिस का वर्क। आज पता नहीं कितने टास्क हो गए, बट कोई नहीं, ट्राई करें कि कंप्लीट हो जाए। फिर मैंने लंच टाइम में मैंने लंच कर लिया, लंच में मैंने सब्जी रोटी खाई, और फाइनली मेरा अभी ऑफ़िस भी ख़त्म हो गया है। तो चलो अब चलते हैं घर, क्योंकि अभी मुझे जाना है जिम। तो सबसे पहले मैं सारा पैकिंग कर रहा हूँ और चलते हैं घर पर। तो गाइज, आपको क्या अच्छा लग रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भी फाइनली मैं अभी घर पे आ गया हूँ, तो जिम जाना है तो जिम के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो फाइनली अभी मैं रेडी हो गया हूँ, तो अब चलो चलते हैं जिम पर। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अभी मैं जिम पे आ गया हूँ, तो देखते हैं आज वर्कआउट में क्या होने वाला है, क्योंकि ट्रेनर बताएगा कि वर्कआउट में क्या करना है। तो जिम पर आकर ट्रेनर को मिल लिया और सबसे पहले मैंने वार्म अप कर लिया था, फिर आज बताया कि मुझे बाइसेप लगाना है। तो आज वर्कआउट में फुल बाइसेप की एक्सरसाइज होगी, तो चलो करते हैं एक्सरसाइज। तो फाइनली मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं रनिंग करूँगा। रनिंग में 1 से 1.5 किलोमीटर तक करूँगा। तो फाइनली मेरी रनिंग भी कंप्लीट हो गई है, तो मैंने आज की है 1 किलोमीटर तक रनिंग, क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो रहा था, बाहर जाना था इसलिए। तो फाइनली चलो अब चलते हैं घर। तो गाइस, फाइनली अभी मैं घर पे आ गया हूँ और सबसे पहले मैंने आके बाथ ले लिया। अभी मैं रेडी हो रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं नहीं बताऊँगा, वो सरप्राइज़ है, वो मैं कहीं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा या उसके आगे वाले व्लॉग में बताऊँगा। तो वहाँ से भी आ गया और अभी मैं कर रहा हूँ रीडिंग। रीडिंग के साथ मैं नया कुछ सीख रहा हूँ, इसलिए मैं अभी लैपटॉप पर वर्क कर रहा हूँ। तो गाइज, आज की हेल्थ टिप्स है, हमारा खाने का सही टाइम क्या होना चाहिए। तो सुबह को हमको 7 से 9 के बीच में खा लेना चाहिए, दोपहर को हमको 11:30 से 1 के बीच में खा लेना चाहिए, और शाम को हमको 6 से 7:30 बजे तक खा लेना चाहिए, क्योंकि
सोने से पहले 2 घंटे का टाइम रहना चाहिए हमने जो डिनर किया उसके बीच में। तो ये थी आज की हेल्थ टिप्स गाइज। तो गाइज कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। तो फाइनली हम ब्लॉग को करते हैं एंड, और अभी बजे रात के 11:30 नहीं सॉरी 12 बजे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज़।